फ्रेंड्स, आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में लिंक्स ग्रुप को सीखेंगे। लिंक्स ग्रुप जो है वो हमारा इंसर्ट टैब पे होता है और उसमें थ्री कमांड्स होते हैं, हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंसेस। सबसे पहले हम बुकमार्क्स को सीखेंगे। बुकमार्क यानी अगर हम किसी हेडिंग पे कोई बुकमार्क इंसर्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले देखिए हम इस हेडिंग पे अगर बुकमार्क इंसर्ट करना चाहते हैं, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम लिंक्स ग्रुप के बुकमार्क वाले बटन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही हमारे सामने बुकमार्क का विंडो ओपन हो जाएगा। उसमें पहला बॉक्स जो हमें दे रखा है वो है बुकमार्क नेम। हम जो भी बुकमार्क को नेम देना चाहते हैं वो इस बॉक्स में हम एंटर करेंगे। लाइक हम यहाँ देना चाहते हैं चैप्टर वन पैरा वन। अब हम यहाँ इसे ऐड करेंगे। ऐड करते ही वो बुकमार्क हमारा वहां पे ऐड हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट बुकमार्क इंसर्ट करेंगे। अब हम इस हेडिंग पे देना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लिंक्स ग्रुप के बुकमार्क पर जाएंगे। अब हम इसे जो भी पैरा देना चाहते हैं यहाँ पे हम लिख देंगे चैप्टर वन पैरा टू। फिर हम इसे ऐड करेंगे। अब हम नेक्स्ट बुकमार्क क्रिएट करते हैं। फिर से हम लिंक ग्रुप पर बुकमार्क पर जाएंगे। अब हम यहाँ पर देते हैं चैप्टर टू पैरा वन। इस तरह हम इसे ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद जो बुकमार्क हैं उनकी हेल्प से अब हम यहाँ पर इस समय चैप्टर टू के एंड में हैं और हम चाहते हैं हम चैप्टर वन पर चले जाएं या चैप्टर वन के पैरा वन पर चले जाएं, तो उसके लिए हम फिर से लिंक पर बुकमार्क पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे कि बुकमार्क की विंडो आते पे जितने भी बुकमार्क आपने यहाँ पे ऐड किए थे उसकी लिस्ट हमें यहाँ इस विंडो में शो कर रहा है। हम जिस भी बुकमार्क पर जाना चाहते हैं, लाइक हम चैप्टर वन पैरा वन पर जाना चाहते हैं, हम इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम इस गो टू वाले बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप देखेंगे कि इसने जो है हमें चैप्टर वन के पैरा वन पर जो है वो हमें डायरेक्टली पहुंचा दिया है। तो इस तरह से हम बुकमार्क्स की हेल्प करके किसी पर्टिकुलर पोजीशन से किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर अगर पहुंचना चाहते हैं डायरेक्टली, तो हम बुकमार्क की हेल्प से वहां पर पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारा हाइपरलिंक्स का। हाइपरलिंक यानी अगर हम किसी लाइन का किसी पर्टिकुलर लोकेशन के साथ लिंक क्रिएट करना चाहते हैं तो हम हाइपरलिंक्स का यूज करते हैं। लाइक हम इस लाइन का हाइपरलिंक क्रिएट करना चाहते हैं, हम इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम लिंक्स ग्रुप में से हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे। हाइपरलिंक क्लिक करते ही हमारे सामने इंसर्ट हाइपरलिंक का एक विंडो ओपन हो जाएगा, डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे हमें लिंक टू में काफी सारे जो है ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर हम एग्जिस्टिंग फाइल या वेब पेज के साथ फाइल को लिंक करना चाहते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को लिंक करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से इसे क्लिक करेंगे। या अपने डॉक्यूमेंट के साथ प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, अपने इस लाइन को यानी कि इस टेक्स्ट फाइल को किसी इस डॉक्यूमेंट के साथ लिंक करना चाहते हैं तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे। कोई न्यू डॉक्यूमेंट बना के लिंक करना चाहते हैं या फिर किसी ईमेल एड्रेस के साथ लिंक करना चाहते हैं। लेट अस सपोज अब हम यहाँ पर हमने जो बुकमार्क क्रिएट किए थे वो यहाँ पर हमें शो हो रहे हैं और जो डॉक्यूमेंट है हमारा उसकी हेडिंग्स सब हेडिंग्स यहाँ पर शो हो रही हैं। अब जो हमने यहाँ पर बुकमार्क बनाया था हम उसके चैप्टर वन या चैप्टर वन पैरा टू के साथ वो इसके साथ हम बनाना चाहते हैं माय फर्स्ट पैराग्राफ ऑन द सेकंड पेज और इसका हम इस चैप्टर वन पैरा वन के साथ लिंक बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से हम करेंगे ओके। ओके करते ही आप देखेंगे कि इसने यहाँ पर जो है इस लाइन का बुकमार्क हाइपरलिंक जो है वो इंसर्ट कर दिया है। बाय डिफॉल्ट जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कोई किसी लाइन का हाइपरलिंक क्रिएट करता है तो वो उस टेक्स्ट के कलर को जो है वो ब्लू कलर में शो करता है। अब हम इस हाइपरलिंक को फॉलो करने के लिए कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे। जैसे ही हम कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि जिस भी लाइन के साथ हमने इसका हाइपरलिंक क्रिएट करा था हम डायरेक्टली उस पोजीशन पर पहुंच जाएंगे। इस तरह से हम हाइपरलिंक जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब हम फिर से एक और हाइपरलिंक क्रिएट करना सीखेंगे। लाइक हम इस लाइन का हाइपरलिंक किसी एग्जिस्टिंग फाइल के साथ करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर से हम हाइपरलिंक जाएंगे। हाइपरलिंक में से हम सेलेक्ट करेंगे एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। यहाँ से हमें काफी सारी फाइल्स मिलेंगी। हम जिस भी फाइल्स के साथ इसका हाइपरलिंक क्रिएट करना चाहते हैं हम वहां से उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे। लाइक हम इसके साथ करना चाहते हैं,
हम इसे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हम ओके करेंगे। ओके करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पर इसने इस लाइन का हाइपरलिंक क्रिएट करा है। अब हम इस हाइपरलिंक को भी फॉलो करने के लिए कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप देखेंगे कि जिस फाइल के साथ हमने इसका हाइपरलिंक क्रिएट करा था वो फाइल हमें यहाँ पर ओपन हो जाएगी। इस तरह से हम किसी भी एग्जिस्टिंग फाइल के साथ भी हाइपरलिंक जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, अब हम यहाँ पर किसी वेबसाइट के साथ अगर अपना हाइपरलिंक क्रिएट करना चाहते हैं, लेट अस सपोज हम टेक्स्ट टाइप करते हैं माय वेबसाइट। अब आप इस टेक्स्ट का किसी वेबसाइट यानी कि वेब पेज के साथ लिंक करना क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इसे सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हाइपरलिंक जाएंगे। हाइपरलिंक में यहाँ एड्रेस पे आप उस वेबसाइट का एड्रेस देंगे, उसके बाद आप ओके करेंगे। ओके करते ही आपका उस टेक्स्ट का उस हाइप मतलब जो भी आपने वहां पर एड्रेस दिया होगा उस वेबसाइट के साथ उसका लिंक जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब हम यहाँ से इसे एक बार कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट जो है, हम यहाँ पर टाइप करते हैं अगर हम किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट के साथ किसी का हाइपरलिंक क्रिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें वो पोजीशन सेट करनी होगी जहां पर हम जो हाइपरलिंक है वो क्रिएट करना चाहते हैं। फिर से हम हाइपरलिंक पे जाएंगे, जो भी टेक्स्ट हम डिस्प्ले करना चाहते हैं वहां पर वो हम यहाँ पर लिखेंगे। लाइक हम यहाँ पर जो है देना चाहते हैं पैरा वन ऑफ डॉक्यूमेंट वन, उसका हम यहाँ पर पैरा टू ऑफ डॉक्यूमेंट वन, इसका हम इस लाइन के साथ सेकेंड फाइल ऑफ द डॉक्यूमेंट के साथ क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ से हम ओके करेंगे। ओके करते ही आप देखेंगे कि इसने यहाँ पर एक हाइपरलिंक क्रिएट किया है। अब हम इसे फॉलो करेंगे, कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप देखेंगे कि जिस भी पैराग्राफ के साथ हमने इसका लिंक क्रिएट किया था इसने डायरेक्टली हमें वहां पहुंचा दिया, यानी कि उसका लिंक क्रिएट कर दिया है। इस तरह से हम टेक्स्ट डिस्प्ले करके भी जो है वहां पर हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं, और वो टेक्स्ट जो है वो हमें जो हमने टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले किया था यानी कि जो हमने टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट एंटर किया था वो यहाँ पर हमें शो कर देगा पैरा टू ऑफ डॉक्यूमेंट वन। इस तरह से हम टेक्स्ट टाइप करके भी हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप किसी ईमेल एड्रेस के साथ या अपने क्रिएटेड डॉक्यूमेंट के साथ हाइपरलिंक क्रिएट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारा क्रॉस रेफरेंसेस का। बुकमार्क की हेल्प से हम बुकमार्क का यूज हम हाइपरलिंक और क्रॉस रेफरेंसेस के साथ करते हैं। अब हम यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस का यूज करना सीखेंगे। क्रॉस रेफरेंस जो है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने क्रॉस रेफरेंस का विंडो ओपन होगा जहां पर सबसे पहला बॉक्स में आपको दिख रहा है रेफरेंस टाइप। यहाँ पे आपको काफी सारे रेफरेंस टाइप मिलेंगे, आप इस ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करके देख सकते हैं। बुकमार्क, फुटनोट, एंड नोट, आप किसी भी रेफरेंस टाइप के साथ जो है क्रॉस रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए अभी हम यहाँ से एक बार इसे कैंसिल करते हैं। सबसे पहले जो है हम जहां पर भी क्रॉस रेफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं हम पोजीशन सेट करेंगे, उसके बाद हम यहां से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अभी हम यहां से जो है वो हेडिंग्स पे अगर क्रॉस रेफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं तो हम यहां से हेडिंग क्रिएट करेंगे। हेडिंग क्रिएट करते हैं आप देखेंगे कि जो भी हमारे डॉक्यूमेंट में हेडिंग है वो यहां पे शो होंगी। अगर आप बुकमार्क पर क्रिएट करेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे आप बुकमार्क पर क्लिक करते हैं यहाँ पे आपने जो भी बुकमार्क्स अपने डॉक्यूमेंट बनाए हैं वो शो होंगे। अभी हम यहाँ से एक बार हेडिंग पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप जिस भी हेडिंग पर अपना क्रॉस रेफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं उस हेडिंग पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहां से करेंगे इंसर्ट। जैसे आप इंसर्ट करेंगे वो हेडिंग जो है आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि वो हेडिंग जो हमने यहाँ पर सेलेक्ट की है वो हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो गई है। फिर हम क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद आप देखेंगे कि इसके ऊपर जो है वो क्रॉस रेफरेंस क्रिएट हो गया है। अब आप कंट्रोल के साथ इस क्रॉस रेफरेंस को फॉलो कर सकते हैं। जैसे ही आप इसे क्लिक करके फॉलो करेंगे कंट्रोल के साथ आप उस हेडिंग पर डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। इस तरह से हम क्रॉस रेफरेंसेस जो है वो बना सकते हैं। अभी हमने देखा कि कैसे हम बुकमार्क्स के साथ क्रॉस रेफरेंसेस बनाते हैं। अब हम देखेंगे कि हम कैसे नंबर्स लिस्ट के साथ भी क्रॉस रेफरेंस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें जो है वो लोकेशन सेट करनी होगी कहाँ पर जो है वो हम क्रॉस रेफरेंस बनाना चाहते हैं। उसके बाद फिर से हम क्रॉस रेफरेंस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपनी लिस्ट को जो है वो सबसे पहले नंबर लिस्ट बनाएंगे। उसके लिए हम इसे कैंसिल करते हैं।
अब हम अपनी लिस्ट को यहाँ पर सबसे पहले नंबर लिस्ट बना लेते हैं, हेडिंग कर लेते हैं, इसे नंबर दे देते हैं। लाइक हम इसे हेडिंग देते हैं वन, यहाँ पर इसे दे देते हैं टू, और यहां पर इसे हेडिंग दे देते हैं थ्री। अब हम इस वाले नंबर के साथ अगर अपना क्रॉस रेफरेंस बनाना चाहते हैं तो हम फिर से सबसे पहले पोजीशन सेट करेंगे, लाइक हम यहां पर, उसके बाद फिर से हम क्रॉस रेफरेंस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप जिस भी हेडिंग के साथ क्रॉस रेफरेंस बनाना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आप पेज नंबर शो करना चाहते हैं, आप यहाँ पर पेज नंबर शो करेंगे और यहाँ से इंसर्ट कर देंगे। आप देखेंगे कि जो भी पेज नंबर पर आप अपना क्रॉस रेफरेंस क्रिएट कर रहे हैं वो पेज नंबर हमारा यहाँ पर शो हो रहा है। अब हम इसे इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट के बाद हम क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद आप देखेंगे कि जैसे ही आप कंट्रोल के साथ इसे फॉलो करते हैं तो आप उस हेडिंग पर पहुंच जाएंगे। इस तरह से हम नंबरिंग देकर भी क्रॉस रेफरेंस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू।